नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। जनजातीय गौरव दिवस का समापन कार्यक्रम, मंडला को सीएम शिवराज सिंह की सौगात। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश का विकास हो रहा है, सरकार विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा कि गौरव दिवस आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जंगल की लकड़ी और फल अब राजनीति के होंगे, हमारा गोंडवाना किसी के सामने झुकेगा नहीं। जनजातीय वर्ग को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा हमने जो वादा किया वो पूरा किया, गरीबों को जमीन देने के लिए योजना पर शुरू हो चुका है बयान। सीएम ने बताया कि राशन आपके गांव योजना शुरू की गई है, 318 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ, 26 करोड़ के निर्माण का लोकार्पण हुआ और अब 4 दिसंबर को मऊ के पाताल पानी में करेंगे सभा। मंच से सीएम ने दी जानकारी, कहा नई आबकारी नीति आ रही है, महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत रूप से शराब बनाता है तो वह अवैध नहीं होगी। सीएम ने कहा कि हेरिटेज शराब के नाम पर वह शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी, हम उसको भी आदिवासी आमदनी का जरिया बनाएंगे। सीएम ने कहा कि इतिहास में हमारे गोंडवाना के राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, अगर इतिहास पढ़ाया गया होता तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने नहीं दिलाई। सीएम की बड़ी घोषणा, इंदौर का भवरकुआ चौराहा अब मामा चौराहा होगा, 4 दिसंबर को डंडिया मामा का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, भवरकुआ चौराहा अब डंडिया मामा चौराहा होगा। जनजातीय वर्ग को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा हमने जो वादा किया वो पूरा किया, गरीबों को जमीन देने के लिए योजना पर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि गोंडवाना तो 52 गड्ढों का राज्य था जिसका एक गौरवशाली वैभवशाली इतिहास है। सीएम ने कहा कि तकलीफ की बात की, पुरानी सरकारों और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को सही ढंग से सामने नहीं आने दिया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ, मुलाकात के बाद एक व्यक्ति एक पद के सवाल पर बोले मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं हूं। दिसंबर में कांग्रेस में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिए संकेत, युवाओं को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। भोपाल में कमलनाथ सरकार में पंचायतों पर परिसीमन हुआ निरस्त, सरकार ने बजट नोटिफिकेशन किया जारी। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया, पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे सभी जिला जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा, पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
भोपाल से ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने कल ही अध्यादेश जारी कर दिया है। भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर विकास के क्षेत्र में नए आयाम छू रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आगे हैं दोनों शहर। कमिश्नर प्रणाली से पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। हरदा में बिजली विभाग ने शुरू किए नई योजनाएं। शुभारंभ के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक दिन के गौरेला पेंड्रा मरहावी जिले के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिलने का स्वागत किया। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफियों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। साय ने कहा कि जिस तरह लालू यादव चारा घोटाले में जेल यात्रा पर थे, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गोबर घोटाला सबसे आने वाला है। बलौदा बाजार में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की प्रेसवार्ता। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में रायपुर के महापौर एजाज डेबर ने पत्रकारों को जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण आज गैस पेट्रोल डीजल के दाम में अंकों तक पहुंच गई है। मध्यम वर्गीय परिवार आज इस महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार भी तब क्रूड ऑयल का रेट ज्यादा था, आज क्रूड ऑयल का रेट कम है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल गैस का रेट ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वीएटी घटाने के फैसले के बाद पश्चिम रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय ने पेट्रोल पंप पर लोगों को तिलक लगाए। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान। बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। 17 फरवरी से होगी 12वीं की परीक्षाएं, 18 फरवरी से होगी 10वीं बच्चों की परीक्षा। भिंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह एनसीसी कैंप पहुंचे और एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रम 1 में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया। कैंडिडेट्स ने ड्रिल का प्रदर्शन कर सलामी दी। इस अवसर पर भिंड डीएसपी पुनव थापा ने एनसीसी कैंप में बच्चों को साइबर क्राइम और व्हाट्सएप फेसबुक पर हैकिंग जैसे मामलों से बचने की समझाइश दी। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जताई। वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। वीडियो में संतों की वेशभूषा में वेटर्स झूठे बर्तन उठा रहे थे, लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। वहीं संतों का कहना है कि उनका अपमान है, वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाले ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी है। ट्रेन रोकने की बात भी कही गई है। ग्वालियर पहुंचे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने परिवार के साथ ऐतिहासिक किले का भ्रमण किया। जगदीश देवड़ा ने किले के विक्रम महल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। कार्तिक मास के सोमवार पर उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी। भगवान महाकाल राजसी घाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। उज्जैन में सावन माह की तरह कार्तिक अगहन माह भी महाकाल की सवारी निकालते हैं। 2 साल बाद अब पहली बार पुराने पारंपरिक मार्ग से सवारी निकाली गई। 2 सालों से यहां कोरोना गाइडलाइन के तहत नए छोटे मार्ग से सवारी निकाली जा रही थी।
इंदौर में एक युवक ने एएसआई को 500 रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से एएसआई ने युवक की लात मुक्की और थप्पड़ों से बीच रोड पर पिटाई की। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड का मामला है, जहां पर एएसआई की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में 5 पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। बड़वानी से पिस्टल लाकर आगरा से बेचने ले जा रहे थे आरोपी, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। ऑटो रिक्शा से जुड़े मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य में बिना परमिट के दौड़ रहे थे 6,000 से ज्यादा ऑटो, हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब हर सप्ताह मामले में सुनवाई होगी, इस सप्ताह रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे बाघों के शिकार के मामले में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जारी नोटिस की गई। याचिका में दी गई दलील, मध्य प्रदेश में 2018 की गणना में प्रदेश में कुल 526 बाघ, साल 2021 में प्रदेश में 36 बाघों की मौत हुई। नेशनल टाइगर रिजर्व में भी बाघों की लगातार मौत हो रही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अनशन, बकाया एरियर गोपनीय विभाग के कर्मचारियों ने भत्ते का भुगतान समेत दूसरी मांगों को लेकर अनशन किया। मांगे न माने जाने पर हड़ताल का रुख कर सकते हैं कर्मचारी, हड़ताल से प्रभावित हो सकता है विश्वविद्यालय और आगामी परीक्षाओं का कामकाज। धमतरी में नगर निगम का अनोखा कारनामा, जिस जगह पर मकान का नक्शा पास किया उसी जगह का अतिक्रमण बताकर तोड़ने के लिए भेजी गई टीम। जमीन मालिक ने जब कागजात दिखाए तो अतिक्रमण तोड़ने गई 28 कर्मचारी अधिकारियों की टीम को जेसीबी सहित बेरंग लौटना पड़ा। मामला शहर के सिहावा रोड स्थित जमीन का है, जिस पर दो लोगों ने दावा किया है। रायपुर में जलभराव की वजह से 3 ट्रेनें रद्द, बिलासपुर चेन्नई, चेन्नई बिलासपुर की ट्रेनें रद्द, अर्नाकुलम एक्सप्रेसवे को भी रद्द किया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदला मिजाज, गरज चमक के साथ देर रात हुई तेज बारिश, बारिश के चलते किसानों की बड़ी मुश्किलें, धान को लेकर चिंतित हैं किसान। बिलासपुर संभाग में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, अचानक हुई बारिश के चलते जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ सहित बिलासपुर जिले के कई किसान की फसलें चौपट हो गई। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किया परेशान, लगातार हो रही बारिश के बाद प्रगतिशील किसान संगठन ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। रायसेन में विगत 3 दिन की छुट्टी के बाद 7 दिनों से धान की बंपर आवक आ रही है। दशहरा मैदान में करीब 2000 से 2500 ट्रॉलियों में लगभग 20,000 क्विंटल धान आज बिकने पहुंची। छिंदवाड़ा में बारिश ने खोली कृषि मंडी की पोल, खुले में रखा किसानों का सूखा अनाज, भीगा कृषि मंडी के शेडों पर व्यापारियों का कब्जा, खुले में अनाज रखने से किसान हुए मजबूर, कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी नहीं। भिंड में रास्ते के विवाद पर क्रेशर संचालकों के बीच हुई फायरिंग, 2 दर्जन से अधिक गोलियां चली, 2 क्रेशर संचालकों के बीच कई महीनों से चला आ रहा है विवाद। इटारसी में इंस्टाग्राम रील का शौक पड़ा महंगा, मालगाड़ी की चक्कर से युवक की मौत, इंस्टाग्राम रील के लिए अपने हैरत अंगेज फोटो और वीडियो बनाने में था लुप्त। भिलाई में पार्षद की सनसनीखेज हत्या का खुलासा, 2 साल पहले हुई रंजिश की वजह से हुई हत्या, 1 साल पहले ही बन चुकी थी हत्या की योजना।
15 नवंबर की रात पार्षद सूरज बच्चौर की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में पिछले 24 घंटे में दो महिलाओं की हत्या कर दी गई है। दोनों को उनके पतियों ने मारा है। इलाके में बिलासपुर जिला के रेलवे टिकट नहीं कराने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को काट दिया। इधर निषादपुरा में घर के बाहर खरगोश भगाने पर पत्नी ने पति को लात मारा। नाराज पति ने बदला लेने के लिए पत्नी की हत्या कर दी गई। निवाड़ी के पृथ्वीपुरा में थाना प्रभारी ने किसान को मारा जोरदार थप्पड़। पृथ्वीपुरा में किसानों को है खाद की दिक्कत। बिक्री केंद्र पर एक ही खिड़की से हो रही है खाद की बिक्री। एक खिड़की से खाद के वितरण से हो रही है परेशानी। किसानों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी मौजूद है। इसी दौरान सिविल वर्दी में मौजूद प्रभारियों ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। दमोह में 2,11,510 के रुपए का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 मोबाइलों के साथ 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भोपाल में पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। मद्रासी कॉलोनी का एक बदमाश सरेआम युवक की बेल्ट से कराए पिटाई। फिल्मी स्टाइल में हो रही है युवक की पिटाई। सिवनी में तेंदुए ने 10 साल की बच्ची का किया शिकार। हमले से नाराज हजारों ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर मारा। एक साल के अंदर 7 लोगों का तेंदुए ने किया था शिकार। ग्वालियर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या। खेत में पास मिला शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कंपू थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। जबलपुर में 30,000 हेक्टेयर में मटर की हो रही है पैदावार। जिला प्रशासन ने मटर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कोशिश करने का फैसला किया है। इसी कोशिश के तहत जिला प्रशासन ने एक उत्पाद के तहत मटर की फसल का चयन किया है और अब इससे देश और विदेश में जबलपुरी मटर के साथ से पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। भिंड में पिछले दिनों ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की आड़ में ऑनलाइन गांजा तस्करी के खुलासे के बाद महगांव पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले के पटवारियों ने नियमों के खिलाफ ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। ये सभी आरोपी कलेक्टर मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर बैठे थे। सनावर में स्कूल जा रही 5 बच्चियों को पीछे से आ रही मिनी लोडिंग गाड़ी ने मारी टक्कर। एक बच्ची की मौत। बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। दो महिलाओं समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की जान ली गई। दंतेवाड़ा में एनडीएमसी के कर्मचारी ने जीते 1 करोड़ रुपए। कंपनी में सीनियर इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत है योगेश दुर्गम। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में जीते थे 1 करोड़ रुपए। एमपी में कोविड-19 अनुग्रह राशि को लेकर गाइडलाइन जारी। सरकार ने सभी कलेक्टरों को जारी किया पत्र। 30 दिन में आवेदन का करना होगा निराकरण। एमपी में प्रतिबंध खत्म। कोरोना की एंट्री 23 दिन बाद एक दिन में 17 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 6, भोपाल में 5 मरीज मिले। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए। पलासिया संविदा नगर में मिले मरीज। स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में मिले संक्रमित। सभी को लग चुके दोनों डोज। दो।
एमपी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, 24 घंटे में जारी हो सकते हैं आदेश। है तीन अहम शर्तों पर चल रहा है मंथन, पूरी क्षमता से स्कूल खोले जाने का भेजा जा रहा है प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है, डेंगू मरीजों की संख्या 14,000 के पार हो चुकी है। नवंबर माह में अब तक करीब 2700 मरीज मिल चुके हैं। ग्वालियर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहां 1 और 20 नवंबर तक करीब 700 मरीज मिले हुए हैं, कुल मरीजों की संख्या 2200 के करीब पहुंच गई है। मंदसौर में ग्वालियर के बाद 1286 डेंगू मरीज मिले, इससे पहले प्रदेश में 2009 में डेंगू मरीजों की संख्या 10,000 के पास पहुंच चुकी थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 63,25,24,269 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिनमें से 7,83,567 सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं। देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख निकालने के बाद भी वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर जल्द से जल्द सेकेंड डोज लगाने की हिदायत दी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण काबू करने के लिए कई निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे और 26 नवंबर तक दिल्ली में उन ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी जो जरूरी सामान की सप्लाई नहीं करते। इसके अलावा निजी संस्थानों को कर्मचारियों से 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करवाने की सलाह दी गई है। इन सारी कवायद के पीछे मकसद ये है कि सड़क से ट्रैफिक को कम किया जाए और प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। कर्नाटका में भारी बारिश के कारण जान और माल का गंभीर नुकसान हुआ है। राज्य में अभी तक कोई 2400 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 658 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।